हूँ रीमा सिंह और आप देख मेरे साथ नेशन वन। इस वक्त रोड के खुड़बुड़ा मोहल्ले में है जहाँ पर भीषण आग लगी थी। तो चलिए आपको बता दें कि यही वो गली है जहाँ पर आग लगी थी। एक जगह थी काफी बड़ी पर ही ये परिवार है। उन लोगों से भी जानने की कोशिश कि आखिर जमीनी हकीकत क्या पूरा मामला हुआ था और प्रशासन की तरफ से सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की गई है लोगों के लिए। ये जो गली लगी है इसमें आपका भी घर था? इधर आ जाओ। कोई बात नहीं, हाँ तो क्या कौन सा कमरा था आपका? खत्म हो गया जितना पैसा कौड़ी सारा सब। आग की वजह क्या मान रही है आप? आग की वजह क्या मान रही है? पता नहीं कैसे आग लगा पता नहीं है? दीप जला के चली गई थी। कौन चला गया था? चली गई थी कौन पता नहीं। अब किसके घर में आग लगा? हमारी आंगन को हमारी आंगन को वहाँ था ना, दीप जला के चले गए थे। बंद करके काम पे गए। हाँ अच्छा, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सिलेंडर की वजह से। हाँ सिलेंडर के वजह से हुआ है, दीप नहीं वो मतलब दिए में जो आग थी वो सिलेंडर ने पकड़ ली क्या? पता नहीं है, हम लोग को नहीं मालूम है। अब दूसरे के घर में नहीं देखा, अब आग जलने लग गया पूरा एकदम, तब देखा। आपका क्या क्या सब खराब हो गया, बर्बाद हो गया? पूरे सामान सब खत्म हो गया। कितने परिवार थे ये पूरे? ये जो ये हॉल जो ये जो दे रखा है ये 18 ई वाला रहला है कमरा, उन्हीं अलग रहला है। कमरे थे ना 15 थे, इसमें बहुत सारे आदमी थे। अच्छा 15 पूरा का आदमी सारा मौजूद था घर में, काम करता लगता सारा, अपना किसी का सामान नहीं निकला एक भी। हम तो इसमें जल जाते हैं, हम यहीं पे सोए रहते हैं। मेरा पति भी जल जाता है इसी। तो इसमें किसी के खबर आई है कि कोई ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गया या मर गया? नहीं कोई तो कुछ सारे बच सारा बच गया, सारा के सामान नुकसान हो गया। शासन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ दिया गया है? कुछ नहीं, खाना पानी बस दिया, कुछ नहीं दिया। तो खाना पानी कहाँ बना रही हो? घर तो तुम्हारा जल गया, वहाँ पे खिलाया हमें सरकार, उधर से दे रही है खाना, पका दे रही है। हाँ। अच्छा तो रह कहाँ रहे हो? अभी दूसरा के रूम में, रिश्तेदार के रूम में रहते हो जाते हैं। तो सरकार ने अभी कुछ बना के नहीं दिया कि जो परिवार चले हैं वो उन वहाँ पर आके रह ले? नहीं मतलब ये जिम्मेदारी सरकार ने नहीं ली? नहीं नहीं दिया। कहाँ दिया? नहीं दिया। रूम मालिक है? मैं आप अगर आपको कुछ बोलना है तो माइक पर बोलिए, बीच में मत बोलिए। तो आपके प्लॉट में खड़े, तो भाई साहब इतना बड़ा कांड हुआ है तो आपके प्लॉट में खड़े होकर के स्टोरी भी ना करें। और शासन प्रशासन ने क्या दिया या क्या नहीं दिया वो तो ये लोग खुद ही बता रहे हैं ना। हम पटवारी ने क्या दिया है? और पटवारी ने रहने की जगह करी है क्या इनकी? कहाँ करी है आपने? बगल में कहाँ करी है आपने? ये तो कह रहे कि कोई नहीं करी, कहाँ करी आपने? जगह बताइए कहाँ करी आपने इनके रहने की व्यवस्था? व्यवस्था हुई नहीं आप लोगों की? कहाँ हुई? इधर आइए आप लोग, इधर आइए अभी आमने सामने ही बात करिए। कहाँ हुई बताइए? आप वैसे आपका शुभ नाम क्या है? मनीष क्या है आप? मतलब क्या करते हैं? ये प्लॉट है आपका, प्लॉट के मालिक है, ओनर है। इनका ये कहना है कि भाई सरकार की तरफ से आपके रहने की व्यवस्था कर दी गई है। अब सच क्या है? अपना रिश्तेदार के यहाँ रहते हैं। रिश्तेदार क्या रह रहे हैं? तो ये जो साहब बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? पता नहीं आप। नहीं आप बताइए, अगर सरकार की तरफ से रहने की व्यवस्था की गई होती तो आप क्या खाने पीने का सरकार दिया है? रहने के अपना अपना रिश्तेदार भी बोली है आप? सर रिकॉर्ड हुआ है आपने रहने की भी बात बोली है? बोला तो रहने के लिए, तो रहने के लिए अपना। और सुना जो आपके क्षेत्र के विधायक है खजानदास, उन्होंने भी कुछ सहायता राशि बोलने देने की बात करी है? पहुंची आप तक अभी तक कुछ ओ सामान? अभी राज्य प्रशासन से बात करी है कि वो आप तक सहायता राशि पहुंचाए? खाना पीना का दिया। खाने पीने में क्या दिया जा रहा है आपको? पूरी सब्जी है और चावल है। रहने की कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं नहीं दिया। कोई कहीं रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है? हाँ, सब अपना अपना रिश्तेदार में। तो ये अनाज ये खाना ऐसा, जब आप लोग कहीं कहीं रह रहे हो तो खाना और अनाज कैसे मिल रहा है आपको? वो सरकार ने भेजाया है, दिया है थोड़ा सा। सरकार ने चिन्हित करा है कि जो जिन परिवार के घरों में आग लगी है उनमें उनके घरों में जा के खाना पहुँचाया जा रहा है या एक जगह है? आ रहे हैं, सबको खिला रहा है, एक जगह आ रहे हैं और खिला रहे हैं। लेकिन अभी तक रह
रहने वहने का कोई वो नहीं हुआ, व्यवस्था नहीं, कपड़ा लता की कोई व्यवस्था, कपड़ा लता वो कपड़ा लता कुछ नहीं, रहने उहने के कुछ नहीं, रहने वहने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, कपड़े लते की भी कोई व्यवस्था नहीं है। तो आए थे, तो जब कल आए थे शासन प्रशासन के बड़े अधिकारी आए थे, विधायक आए थे, क्या कुछ बोल कर गए थे? वो बोल के गए थे सब कुछ के उपाय हो जाएगा। हाँ, बोल के गया था जो उपाय हो जाएगा सब कुछ, सबको सहायता करेंगे। करी सहायता, खाने पीने को हटा दो तो? खाना पीना दे रहा है, अब पता नहीं क्या देगा, सब सारा तो लोग के संपत्ति जर गया, रहने परेशान हो अभी संतुष्टि बिल्कुल, जिसका घर जल गया हो तो सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी। परेशान है आप? बहुत परेशान है, नहीं तो बहुत लोग के नुकसान हो गया सारा चीज। हाँ बेटा, आपने क्या 60,000 रुपया सारा जल गया, एटीएम उटीएम सारा जल गया, कुछ भी नहीं, जितना गर्दन में के खोल के धर दिया सारा जल गया, के था सारा जर के राख हो गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, सारा जर गया। पैसा था हमारे भी, सबके था थोड़ा बहुत घर में रुपया पैसा था, सारा जर के राख हो गया, एक पेन रखे वही है और कुछ नहीं है, देह में कपड़ा पहन के रखा हूँ, बच्चे बच्चे के लिए अपना जान बचा भी। देखो बोलूंगी, बच्चा भी देखो, ये कल से ये ऐसी राख लगी है सब बच्चे के। आप रो मत, रो मत, आप सब ठीक हो जाएगा। तो आपको बताएं कि जो ये जमीनी सच्चाई है वो ये है कि खाने पीने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं की गई है। इस पूरे प्लॉट के जो मालिक हैं, उन्होंने किस तरीके से मीडिया से बात करी, और पता नहीं क्यों वो मीडिया को ये स्टोरी करने से रोक रहे थे, मुझे नहीं समझ में आया कि शायद कुछ खुल जाएगा या कोई बात सामने आ जाएगी। वो कह रहे हैं कि पहले बोला कि रहने की व्यवस्था भी कर दी गई है, लेकिन बाद में बोला कि नहीं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं की है। ये आपने देखा ही होगा, आपने सुना ही होगा किस तरीके से लोगों की आंखों में आंसू हैं, और जाहिर सी बात है आंसू क्यों नहीं होंगे, जो इतने टाइम से यहाँ पर रह रहे हैं, कि चीज़ उन्होंने अपने हाथों से सजाई होगी, रखी होगी, बच्चों के लिए पैसे जोड़े होंगे, कपड़े लत्ते वो सब कुछ जलकर खाक हो गया।